हाँ यही है। ए रुको, ये पेटी क्यों उठाई? मैं धोबी घाट का रामू हूँ, आपने मुझे बुलाया कपड़ों के लिए। मैंने क्या? हाँ अरे कपड़े लेने के लिए साबू आता है। साबू या बाबुल को मैं बिल्कुल नहीं जानता। ए, तुम पेटी उतारो, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, उतारो। अरे छोड़ो ना, मैं धो के लाता हूँ। नीचे तू कौन है पेटी लेके जाने वाला? अरे ये क्या हो गया, मैं साबू को भेजता हूँ। अरे यार वो हमारे घर में आके पेटी लेके भाग रहा है। हाउस ओनर ने बोला होगा लेने के लिए। हाउस ओनर का इससे क्या संबंध है? उसने पूछा तो दी नहीं ना। पेटी नहीं दी क्या? नहीं। हाँ ये मामला है, हमारी पेटी है? पेटी? अरे वो जा रही है पेटी, पकड़ो। पकड़ पकड़ो। अरे पकड़ो। अरे तू पकड़, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। किधर जा रही है? पकड़ो। अरे कोई है? अरे कोई बचाओ मुझे। थोड़ी दूर तक मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बैठोगे, मैं चलाऊं। ए उतर, ए उतर रहा है, ए कहाँ है उतरने के लिए? लाड साहब है क्या? हाँ मैं जाता हूँ। सत्य तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना? हाँ ये लो सोडा पी लो, ये लो सोडा पी लो। हेलो चलो कहीं किनारे जाके बैठते हैं। चलो चलो ठीक से। हाँ ठीक है, संभल के संभल के, ठीक से देख के पहले आराम से। यस यस और मुंह में दे रहा हूँ, मुंह में ले लो सोडा, थोड़ा ठीक ले लो। हाँ हाँ सोडा पियो पहले, ठीक से ठीक से। अरे मुंह में क्या डाल रहा है? पियो, अरे पी ना, ठीक से मुंह में दो ना। हाँ बोलो। हाँ अरे भैया बैठो ना, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम लोग जाए क्या? ठीक जाओ जाओ, हो सके तो डॉक्टर से जाके मिलना। हाँ ठीक है। अरे यार मेरा बेल्ट टूट गया, अरे मेरा बेल्ट टूट गया। चलो चलते हैं। अरे ये बोर्ड किसे बांध दिया तू? अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
अरे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है? यार उसे रखो। ये तो लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई नया प्लान बनाए होंगे। आज सुबह एक पीले स्कूटर ने रोड पर राहगीर को टक्कर मार के गिरा दिया। हो, खबर अखबार में भी छप गई। मान गया, रिपोर्टर काफी होशियार है। लेकिन ये दोनों कहाँ गए होंगे? वाह जी वाह। अरे इसे कहाँ ठिकाने लगाएंगे? चल यार हम देखते हैं, यहाँ लोगों की भीड़ है यार। चल ना चुपचाप, तू मुझे मरवाएगा यार। देख यार नवाब उधर खड़ा है। बेटी अरे यार उसकी नजर से बच के फटाफट बेटी को छुपाओ, जल्दी जल्दी छुपाओ। अब बेटी दिखाई नहीं देगी। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? चलो 9-2-11 होते हैं। अरे भाग। अरे बहुत शुक्रिया। ये क्या कचरों की बरसात हो रही? अरे कहाँ आ गया मैं? छे कामीना। वो हमसे क्यों जलता है? आज के बाद हम लोग से वो कभी नहीं जलेगा। मजा किरकिरा गया। तुम्हें भूख नहीं है? पेटी नहीं लेनी है? पेटी लेंगे। अरे पेटी कहाँ? पेटी कहाँ गई? यही तो थी, यही तो थी। चलो अंदर देखते हैं। हे भगवान कहाँ गई? कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले का फैसला जो है, इसीलिए राजी इसी शहर में लौट के आ गई। सर जी हम लोग सब इंसान ही है ना, हम लोग जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हालात हमें करने के लिए मजबूर करता है बस। जिंदगी जीने की ख्वाहिश बहुत पहले ही मैंने छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं आत्महत्या करूं और लोग मेरे माथे पे कायर की मोहर लगाकर चले जाएं। मुझे अगर दुख है वो मेरी बेटी को लेकर है। उस मासूम का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों बाप बेटी जिंदगी में किसी का बोझ बन के जीवन जिए, मगर इसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। ये अच्छा फैसला है ना उदय, कभी वो तन्हा नहीं रहेगी, उसकी पढ़ाई और फ्यूचर सब राजी के हाथों में सेफ रहेगी। ये हमारा कोई फैसला नहीं है, राजी किशन का फैसला है। उदय जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है, मुझे जाना है, जो करना है उसका फैसला तुम्हें लेना है। उसकी देखभाल मैं करूंगी, कोई कमी नहीं होगी। अपनी बेटी के समान उसे पालूंगी। कम से कम इस बहाने मुझे प्रायश्चित करने दो उदय। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनकार मत करना। किसी और से बोल सकता हूँ लेकिन तुमसे ये सब क्या मैं बोल पाऊंगा राजी? देखो तुम छोटी बच्ची नहीं हो,
काफी समझदार और अकलमंद लड़की हो तुम। तुम काफी खुशनसीब हो बेटी, वरना इस तरह की आंटी तुम्हें मिलती क्या? जानबूझकर मैंने कोई गलती नहीं की, भूलकर भी मुझसे नफरत मत करना बेटी। आपसे नफरत करूं? किस लिए? ये बात होती तो कभी की नफरत करती। डैडी ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जिस दिन आप यहाँ लाकर आई वो दिन भी याद है डैडी को। उस दिन लाइब्रेरी में मैंने मेरे नाम की उस देवी को पहचान लिया और ईश्वर से दुआ मांगने लगी कि आप डैडी से मिलने जरूर आए, और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरे डैडी के चेहरे पे मैं खुशियां देख रही हूँ। हर पल मौत से लड़ने वाले मेरे डैडी के सामने मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। कितने अच्छे आदमी हैं मेरे डैडी। एक ही ख्वाहिश है मेरी, जब वो मुझे तन्हा छोड़ के जाएंगे तो उनके मन में दर्द नहीं होना चाहिए। मेरे डैडी बहुत ही अच्छे हैं। सर जी मैडम आ रही हैं। सर जी हवा खाना चाहते थे इसलिए लेके आया। अब मैं देख लूंगी, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा टीचर। ठीक है। यहाँ ठंडी हवा चल रही है और वक्त भी गुजर जाता है। अक्सर बेटी मुझे यहाँ लाया करती है। मैं जबरन उसे हर रोज कॉलेज भेजता हूँ पता है, और उसने काफी क्लासेस मिस किए हैं। वो अकलमंद है उदय, कितने भी क्लास मिस क्यों ना करे वो उसे कवर कर लेगी। वीआरएस लेने का फैसला कर लिया तुमने ना? हाँ उदय, अब इन दुविधाओं के साथ यात्रा करना मेरे लिए नामुमकिन है। हमें मन की बात मान लेनी चाहिए, वरना हमें घाटे का मुंह देखना पड़ेगा। इस घाटे का भी कारण मैं हूं ना? उदय ऐसा मत सोचना तुम, उन सब की वजह तुम नहीं हो, वो सब ईश्वर का निर्णय था, वरना हमारी मुलाकात फिर से नहीं होती और तुम्हारी बेटी मुझसे नहीं मिलती। किसी फिल्म के किरदार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इस कहानी का अंत क्या होगा मैं नहीं जानती। हमने कभी जो सपने देखे थे उसे हमारे बच्चे साकार करें। क्या उसी के लिए ईश्वर ने फिर से मुझे यहां भेजा? नहीं तो फिर किस लिए हम परस्पर जाने बिना हमारा नाम अपने बच्चों को दिया? क्या यही ईश्वर का फैसला है उदय? अगर यही है तो इसे हकीकत में बदलने का इजाजत मुझे दे दो उदय। क्या मैं उसे उदय की बहू बना लूं? निकली सुंदर संगीत है प्रेम। खामोश वीणा से निकली सुंदर संगीत है प्रेम। दिल की धड़कन से निकली सुंदर ताल है प्रेम।
का भी है प्रेम। मन के सागर में खिलते खिलते, मन के सागर में खिलते खिलते, सुंदर फूल है प्रेम, सुंदर फूल। नैन्सी टीचर, मदर और मैथ्यू सर तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी चाहिए हो तो इन्हें बताना। अच्छी तरह पढ़ना, तुम केवल इस कॉन्वेंट में ही सुरक्षित रह सकती हो। ये लीजिए मदर, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैं अपनी बहू को आपके हवाले कर रही हूँ, इसे कोई कभी मत होने देना। एग्जाम खत्म होते ही अपने बेटे के साथ यहाँ आऊंगी, इसे ले जाने के लिए। मैं चलती हूँ सर। और हम आपको रोक भी नहीं सकते। मुझे जाना है सर, ये ईश्वर का फैसला है। नैन्सी, हानी से मुझे जो नई उम्मीद मिली थी उसके सहारे इस राज्य को अलविदा कहकर जा रही हूं। अब मेरे लिए वो जगह ठीक नहीं है। मैंने उदय से कहा कि उसके अगले जन्मदिन पर मैं उसे एक तोहफा दूंगी, लेकिन वो राजी होगी ये वो नहीं जानता है। मगर राजी को सब कुछ पता है। मैंने उसे सारी बातें बता दी। जो ही उसकी परीक्षा खत्म होगी मैं उदय को लेकर वहां जाऊंगी, राजी को अपने साथ लेकर आने के लिए। आगे की जिंदगी मैं राजी और उदय के साथ खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। अब उसी दिन के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ।
तुम जाओ, वो लोग राह देख रहे हैं। नमस्ते। हाँ मैथ्यू सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, अपनी माँ पर गया है ये। सफर अच्छा रहा ना? हाँ। ये लो, ये तोहफा तुम्हारी माँ हमें सौंप कर गई थी। राजी हो ना? जाओ। क्या तुम्हें मेरी माँ बहुत पसंद है? हम जो सोचते हैं वो नहीं है जिंदगी। तुम्हारे साथ लौटूंगी बोल रही थी तुम्हारी माँ, मगर ईश्वर का फैसला कुछ और था। राजी, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो ना? देखा ना, कोई भी तुम्हें विदा करने के लिए नहीं आया है। तुमसे बिछड़ के वो जी नहीं सकेंगे। कोई कमी नहीं रखना बेटे, सदा खुश रखना इसे। जब खुद को दुनिया में तन्हा समझने लगा तब मेरी माँ ने मुझे एक तोहफा दिया, वो तुम हो। अनाथ से सनाथ हुए हम। ये मत सोचना कि तुम लोग अकेले हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सच्चे प्रेम की बैलेंस शीट हो तुम दोनों। प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बंद करो, ये आवाज बंद करो। ये आदमी क्यों यही काम है, हर समय ये बजाता ही रहता है। उसको कुछ भी दिखता नहीं है ना, तो हमारा दुख उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। पिछले वर्ष एक दिन रोड में एक गाड़ी के नीचे गया था, ये चट से मैंने नहीं खींचेगा तो ये मर जाता था। उस दिन मुझे मालूम पड़ गया इसको आंख का रोशनी चले गए। उस दिन से हमारा दोनों का जिंदगी सर्वनाश हो गया। अरे तू कुछ मुझे बताने वाले थे ना? लगता है वो आदमी फिर आएंगे, आनंद को लेके जाएंगे। बाद में मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं इस समुद्र के अंदर जाकर। वो सब छोड़ दाना तू, अभी इस समय उसे एक ब्याह करवा दो। सच में उसे ब्याह करना ही पड़ता है। वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो नीली के पीछे पड़े हैं। वो एक लक्ष्मी का बेटा, उसे ब्याह करने में सुनता है, इधर सब कुछ वो ही बोलता है। तो ये उसे ब्याह नहीं करेगा तो भी वो लड़की सच में इधर दौड़ कर आएगी। यहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा क्या? हे समुद्र माता, हमें थोड़ा भी परेशान नहीं रही। तू इस तरह परेशान मत हो, मैं एक बात बताऊँ, आनंद को एक नौवा है ना, तू हमारा सांप से जाकर लड़की मांगो। हमारा सांप वो औरत जैसा नहीं है, अच्छा आदमी है। इस बारे में तुम सोचो, अभी मैं चलूं क्या? उठो जी, चल जाएंगे। धक, सांप मेरे मछली खरीद कर पैसा नहीं देता है। मुझसे भी यही होता जाता है। अरे जल्दी चलो। हाँ तू जल्दी जा, तुम्हारा बेटा है ना उधर। अरे दीदी, घर में जाकर मुझे बहुत बड़ा काम है, मालूम है तुझे? दीदी ऐसा ही बोलता है, तू गुस्सा मत हो जा। चल चल सब लोग जाओ, मुझे क्या है, मुझे मछली बेचना है, जाओ। अरे जा जा चलो। दीदी इधर आनंद का घर कहाँ है?
एक नौगा का आनंद है वही क्या? तू कौन है? वो सब छोड़ दो, मुझे बताओ आनंद कहाँ है। आहा, हे लड़की के देखो, अरे छोकरी इस उम्र में तू ऐसे चलकर मत दिखाओ, बेड़ियाई वाली। मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, इसे पूछेगा तो ये हमसे नहीं जवाब दिया ना। मैं दूसरे गांव से आती हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या तुम स्कूल में पढ़ती? हाँ, है दूसरे गांव से पढ़ती हूँ। दूसरे गांव से आती है? हाँ। उधर तुम्हारा घर कहाँ है? देखो छोकरी, ये दीदी उस गांव की है, उधर रेविदास का बेटी हूँ मैं। क्या तू रेविदास की बेटी है? हाँ। हो, मैं और तुम्हारी माँ बचपन का दोस्त है। तो तुम रिश्तेदार है? अरे बहुत बड़ा रिश्तेदार है। अरे इधर की लक्ष्मी है ना, उसका भाई है ये रेविदास। अरे लड़की, तुझे तो ब्याह तय हुआ चुका ना? वो शादी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूँ मालूम है। अरे बाप रे, ये लड़की क्या क्या बात करती है। देखो छोकरी, जल्दी वापस जा। देखो दीदी, मैं एक बात बताती हूँ, तुम तुम्हारा काम देकर चलो ना इधर से। मैं जाती हूँ। देखो छोकरी लोग, इसे मत दिखाओ आनंद को। अरे तू क्या करिया, चल दिया। अरे छोकरी, तुझे मालूम है, तुझे देखने के बाद वो माँ बाप के जाकर बताएगी। कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी डर नहीं है। तुझे आनंद को कैसे मालूम? छोटी सी उम्र में मुझे आनंद मालूम है, हम दोनों एक ही गांव में पल बड़ी हुई ना, इसलिए मुझे दूसरा शादी पसंद नहीं है, मैं इससे भी जाकर शादी करूंगी। तू सच बताती है, तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा ब्याह के बारे में दूसरा सोचता है ना? उन लोगों का पसंद का लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। इस त्रासे से सीधे चले जाओ। हम दोनों घर में जाकर उतना काम है, जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए जाती हूँ। देखो वो ही है घर, आनंद का माँ है वो। दीदी माँ, आओ ना बेटी मेरी लाडली, तू अब मुझे देखने यहाँ आई है बेटी। देखो दीदी, ये वापस नहीं जाएगी, मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा को ब्याह करने वाली है, वो औरत इसके माँ बाप को देखने के लिए गई है। ठीक है मैं चलती हूँ। आनंद कहाँ है? काम होने के बाद आनंद और उसके दोस्त को लेकर जाल लेके आने गए हैं। तुम्हारे घर में बिना बताए यहाँ आना अच्छा नहीं है, पार्सल गई लड़की घर नहीं आया तो बहुत चिंता रहते हैं, जल्दी घर जाओ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, मैं आनंद के पास रहूंगी। हे मैया, तेरे पापा हमको मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, मैं जब तक जिंदा हूँ आनंद को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाकर मर जाऊं? मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी बेटी, मेरे दोनों आंखों में आनंद और तुम भी हो। अच्छी माँ है, मुझे प्यारी लगती है तू। चलो चलो अंदर चलते हैं। उस सुंदरी ने तुम्हें देखा है ना, बस पूरा गांव फैला देगी वो। आओ आओ, तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं काफी लेके आती हूँ। लगता है पाठशाला जाने से पहले खाई होगी ना तू? हाँ माँ जी, मैं दोपहर को खाई थी, मुझे भूख नहीं है। हरी कहाँ है तू? ओमन लक्ष्मी है। चुप कर बेटी, इधर ए, जल्दी आ बाहर। कौन है? इस गांव की एक औरत हूँ, वो लड़की को बाहर छोड़ दो तू। ऐसे कौन है, कौन है वो, कौन रिश्तेदार, कहाँ है? हाँ कहाँ है, देखो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। अभी इधर आइए ना, ये छोकरी वो कहाँ है? ओ उस लड़की, मैंने बात करके भेज दिया है, लगता है उस तरफ जा रही है। अंदर जाकर देखूं क्या माँ? नहीं नहीं, तुम खड़े हो जाओ, हम फिर देख लेंगे, अभी तू चल मेरे साथ। हे भगवान, चली गई, अच्छे दिन निकला। देखो बेटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ अच्छी तरह सुन लो, अब तुम घर जाओ माँ। क्या बात बता रही, मैं जाऊँ घर? नहीं घर जाऊंगी, समुद्र में जाकर डूबूंगी। मालूम नहीं क्यों ऐसे जिद कर रही हो, हे भगवान मालूम नहीं मुझे क्या करना है। नीली नहीं चाहती तो ठीक है,
वो यहीं पे रह सकती है। आनंद ठीक ही कहता है। आप दोनों की मर्जी है। अरे वो लड़की को बाहर भेज देना। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, भेज दो उनको बाहर। नहीं नहीं भेजूंगा मैं। देख लेना आप। वो मेरे लिए आई है, मैं उससे शादी करूंगा, मैं देखभाल करूंगा उसका। शादी तय किया हुआ लड़की है, तू क्या संभालेगा? मार के इसका घर जला दो, जाके उस लड़की को बाहर निकालो। नीली, मेरी माँ। अरे भगवान, पकड़ो आनंद, मारो मारो, इसे मार डालो, इधर से भगा दो। कुछ मत करो, कुछ मत करना। अच्छा भाई, तू नहीं मारने का कर रहा है, छोड़ दो उसको। नहीं, उसे मत छोड़ो, मार दो उसे। नहीं, छोड़ दो आनंद। इसी काम को मेरे आनंद को कुछ मत करो। अरे हटो इधर से, उसे छोड़ दो, छोड़ दो, यहाँ से हटा दो, बोल रहा ना। अरे तू चल, इन लोगों को बता दो, आनंद को कुछ मत करो। मैं क्या कर रही है? अरे तू इधर आ, इस घर को आग लगाओ, जल्दी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, पानी लो यार, पानी लो, कितनी स्मार्ट है वो, विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक मरीज है। यस, वास्तव में बेटी नहीं है, माँ बाप पेशेंट है। अच्छा, आप अभी देख लिया ना, ये बच्चा लोग सब हर माँ बाप को टॉर्चर के वजह से, प्यार नहीं मिलने के वजह से पेशेंट होकर इधर आना पड़ता है। अच्छा, वरुण का ट्रीटमेंट का ये भी एक बाह है, मालूम है आपको? आपको एक बात बता दूंगी, वो सब सुनकर आपको भी लगेगा वरुण इधर पहुंचने में कितना अच्छा लगा होगा। दुनिया में 25 राज्यों से बिजनेस कॉन्टेक्ट में एक आईटी कंपनी के मास्टर ब्रेन है, आप पहले देखी थे ना रोसमोल, उसकी फादर अभिषेक। हाँ, दादाजी के बेटे उठ गए क्या? इतना कैसे सोती है? 7 बज गए, छुट्टियां खत्म हो गई ना, आपको जाना है ना? नहीं दादा, मैं यहीं पे पढ़ लेती हूँ। अरे बहुत बढ़िया, आपके स्कूल जैसा बड़ा स्कूल यहाँ पे नहीं है। आपको तालाब में तैरना है क्या? हाँ, चलिए चलते हैं। तब चलो। आराम से। हाय, गुड मॉर्निंग रैबिट्स। इतनी जल्दी उठ गए तू? हम स्विमिंग जाके आते हैं। ओह मेरा लाडली, तू कितना अच्छी लड़की हो। आप लोग स्विमिंग से आने तक मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, सब तेरी पसंद की है। ओके, क्या आज आप बनाने वाले हैं? कितने अच्छे हैं आप। दादाजी आइए ना, चलते चलो। हम जाकर जल्दी ही लौट आते हैं दादी। हाँ ठीक है बेटी, कितना अच्छी लड़की है।
बारिश होने से बस बहुत भीड़ है। चलो मणिगंडा। आप अच्छी है आंटी जी। आ मैं ठीक हूँ। रोज कहाँ है? वो खाना खा रही है। सफर सब कैसा था? हाँ बहुत बढ़िया था। सामान वामान सब? हाँ सब गाड़ी में ही है। अच्छा उसका बंदोबस्त करना। आप लोग अंदर रहिए। चलिए। हेलो बेटा। रोज आप लोग नाश्ता किए क्या? हाँ पापा जी हम बाहर से खाए। अच्छा खेत में काम चल रहा है। अच्छा। मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओके ठीक है। अरे बढ़िया खाना है। केला अचार। अरे किसने बनाया ये सब? इतना अच्छा खाना। ये सब दादी का प्रिपरेशन है। ओहो अच्छा आंटी जी ने बनाई है। बहुत बढ़िया। ओके मैं तैयार हो रहा हूँ। आप लोग भी तैयार हो जाओ। क्या है कुछ मुड़ और दिखते हो? जल्दी खाओ। तुझे प्रिंस अंकल के यहाँ छोड़कर हम ऑफिस जाना है। जल्दी खाओ। लो पकड़ो इसको भी रखो। आज ही तोड़ा हूं। आओ जल्दी। चले पापा जी बाद में आएंगे। हाँ जब फुर्सत मिले तब आना। चलिए इसको कहाँ रखे? उसको भी वहाँ रखो। हाँ पापा आप भी ना इसकी क्या जरूरत है अभी? ये अच्छा है इसमें दवाई नहीं मारा। तुम्हारे शहर में नहीं मिलेगा ना। हाँ, हाँ, चल लिया। चलिए आंटी जी। दादी बाय। वो भी गाड़ी में रख लेने का। ठीक है पापा जी चलता हूँ। रोज दादाजी मैं नहीं जाती हूँ। दादाजी दादाजी मुझे नहीं जाना है। आपको छोड़कर नहीं जाना है मुझे। अब आप अगले बार कब आएगी? मालूम नहीं है? अगले बार जब आप आएंगे यहाँ पे हम बहुत खेलेंगे बहुत तैर करेंगे और बहुत पेड़ पे चढ़ेंगे। हाँ ठीक है। इधर आओ बेटा। आजा 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 मेरा प्यारा बेटा। चले पापा हम जाते हैं। पापा बाय। टाटा टाटा जी। चलो बहुत देर हो रही है जल्दी निकलो। अंदर जाओ। टाटा रोज कम कम सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रोज वेट मम्मी। नो नो यू आर ऑलरेडी लेट। कम फास्ट। हे इधर आओ। व्हाट इज दिस? व्हाट? आगे आगे डिसिप्लिन के बारे में भूल रहे हो तू। कंप्यूटर भी ऑफ नहीं कर रहे हो। कल मैं सो गई माँ। नहीं नहीं मुझे कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए। डोंट रिपीट दिस अंडरस्टैंड? हम्म।
हाँ दीपक सर बोलिए सर। हाँ वो तो सही है। हाँ उस रिपोर्ट का मैंने जांच किया और समझा कि एक हफ्ते की प्रॉब्लम थी उसमें। अब क्या हुआ सर? अच्छा सर हाँ जी एकदम हाँ ठीक है सर। रेशमा हाँ जी सुन रहा हूँ जी। तब ठीक है सर। रोज जल्दी आओ। ये क्या अब तक रेडी नहीं हुई क्या? क्यों ऐसे बच्चों जैसे बर्ताव कर रहे हो? किसी के लिए भी टाइम शेड्यूल ही नहीं है। अरे बेटा क्या हुआ आपको? अभी टाइम क्या हुआ बताए? सुबह के 7 बजे ठीक है बहुत लेट हुआ। चलो बैठो खाना खाओ बैठो। जो भी हो वक्त का पाबंद रहना ठीक है। अभी ऐसे लाडला मत करो इसीलिए वो बिगड़ रही है। आप भी जरा पाबंद रहिए हम काफी देर हो चुके हैं। हेलो अपना प्रिंस भाई आ गया। ओके जल्दी खाओ। अरे गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। भैया आज तो वेडनेसडे है ना यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है। ड्रेस लेके रखा है और ब्रेकफास्ट के बारे में भूलना मत और लंच बाहर से मंगवाना है। ठीक है ठीक है जी। प्रिंस भैया इसमें 5,000 रुपीज है ट्यूशन फीस भरा देना। ठीक है जी। और कंप्यूटर क्लास और डांस क्लास को वो नहीं जाने वाली बगर लेके जाना है। आपको मालूम है ना परफॉर्मेंस में बहुत वीक है वो। आती हूँ ठीक है बाय। ओके जी। भाई परफॉर्मेंस बाहर में जाने का। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय अंकल। आप कैसा कह रहा सोच में है? मम्मी के बारे में तो आपको पता है ना अब तक क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। वो तो आपके अच्छे भविष्य के लिए है ना। चलिए ये बताइए आपको बड़े होने के बाद क्या बनना पसंद है? पापा के जैसे बनोगी या मम्मी के जैसे बनोगी? दादाजी जैसे होना है मुझे। वो क्यों? दादाजी सभी को पसंद करते हैं ना। अच्छा। आप कोई बड़े खानदान की एक छोटी सी परी थी पिछले जन्म में। आज भी ये रोटी है क्या? डेली ब्रेड ही है। हाँ ये खाना तो वीआईपी खाना है ना। खाइए खाइए लीजिए मैं खिलाता हूँ। प्रिंस अंकल आपके घर में सुबह क्या खाते हैं? रोटी दाल वैसे बहुत कुछ। मुझे भी खाने का मन करते हैं। दादाजी के यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। हम चलते हैं क्या? आज तब जाके आपका पापा मम्मी मेरे को डांटेंगे। अरे आप बड़े गुमसुम हो गए क्या? आज बुधवार कल गुरुवार उसके बाद शुक्रवार उसके बाद आता है शनिवार। शनिवार आपके स्कूल भी तो बंद है ना। आपके मम्मी और पापा से परमिशन लेके मैं आपको ले जाऊंगा आपके दादा के पास। एकदम पक्का। अभी आप ये दूध जरा पी लीजिए। इसके बाद अपने को कपड़े बदलना है स्कूल जाना है। ठीक है ओके चलिए उठिए। टाइम हो गया बेटा चलो चलो फास्ट दौड़ते हैं। जल्दी आइए ना अंकल फास्ट फास्ट। बेटा मैडम अच्छा तो हम चले। जल्दी जाइए ना अंकल। जैसे आपकी इच्छा। यूएस कंपनी की कुछ पता चला यार? नहीं आज तो एक्चुअली भेजने वाली है। एक्चुअली ये मैसेज नहीं आया अभी तक। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। हाय मैं जरा ट्राई मारू क्या? hmm.
जल्दी खोलना। Hey, what is this? वेकेशन के लिए गए हैं ना? तब तेरे लिए मैं मंगवाया था। यहाँ देखना मत, घर जाके देखो। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सिट डाउन। डिड यू एंजॉय योर वेकेशन? यस मैम। ओके, कम टू द लेसन। यस। ऑल ऑफ यू टेक द बुक, इंग्लिश रीडर। डिड यू ओपन द टेक्स्ट? यस। Please take the fifth lesson. What is the heading of the fifth lesson? Small rabbit and spinach. Can you tell where the rabbit was searching for spinach? Among the sweet potatoes. Among the rocks. And in an empty well. Idal Rose, stand up. Stand up. What are you doing? What happened to you? Can you tell anything about the story? What is the topic of the story? Sit down. Then he looked for the spinach at the tufty grass, among the sweet potatoes, among the rocks, besides the river, and in an empty well. After that, the small rabbit went to his house and got the carrot from his father. रोज, क्या कर रहे हो तू वहाँ? आई एम स्टडीइंग मम्मी। बेड में बैठ कर पढ़ते हैं क्या? गो टू स्टडी रूम, गो, जल्दी जाओ। ए, गो। ये कैसे मिला तुझे? क्रिस ने दिया है। क्या देख रहे हो? पढ़ो। पढ़ो। जी। अभी तो बिजनेस रूम में है, मैं भी थोड़ा लेट आ जाती हूँ। जब मैं फोन करती हूँ तब आना। ओके जी। रोज को घर में छोड़कर आप इधर आना, ठीक है? ठीक है जी। ओके, सी यू लेटर।
हाय फ्रेंड्स, हमारी ऑफिस में आज एक नया मेंबर आया है, वो है मिस्टर सुनील। जनाब हमारे सॉफ्टवेयर विंग में काम करेंगे। ये जनाब अपने बारे में दो लफ्ज हमसे बोलेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील है, मैं इसी शहर का बंदा हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि मैं आपके साथ और आपको मेरे साथ काम करने में मजा आएगा। मिस्टर जितेंद्र, सुनील को अपना जगह दिखा देना। ठीक है सर, आइए चलिए। या उसी को देती हूँ मैं। रोज, योर फ्रेंड ग्रेस। हाय ग्रेस। हाय ग्रेस, हाउ आर यू? रोज, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? या फिनिश्ड? एंड यू? आई फिनिश्ड लॉन्ग बैक। माय स्वीट मम्मी मुझे हेल्प कर रही है। बिटिया। हाय पापा। कैसे हो आप? व्हाट? मेरे पापा? क्या आपके पापा आए हैं क्या? मेरे पापा देर से आता है, तब से तो मैं सो जाती हूँ। बिटिया। हेलो। मैं जरा मुँह हाथ धो के आता हूँ। रोज लाइन पे है क्या? हेलो, क्या हुआ? सॉरी ग्रेस, आई गिव टू माय मम्मी। हाय रोज। हाय आंटी। तू तो किलेरी हो यार, तू तो तेरे मम्मी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सॉरी आंटी, एक मिनट। मम्मी, गिरीश की मम्मी है। मम्मी, क्या है रोज? मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क में है, विल टॉक लेटर। प्लीज मम्मी। रोज, हेलो हेलो हेलो, कट हो गया क्या? हाँ। रोज की मम्मी सभी समय बिजी रहती है। ठीक है बेटा, तू पढ़ लिया है तो बस आओ जाओ, पापा आने से पहले हम नाश्ता तैयार करते हैं। चलो। अरे आ जाओ, ये कौन आई है? अरे मेरे भगवान, ये कौन है ये परी? दादाजी की प्यारी बिटिया है क्या? आजा, तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या चमत्कार हुए हैं यहाँ पे। क्या चमत्कार हुए हैं दादा? आप देखने ही वाले हैं ना, फिर मैं क्यों बताऊँ? अरे दौड़ना नहीं, आराम से आराम से। तो चलिए तो सही अंदर जी। तो आप बिटिया का लोकल गार्डन बन गया? हाँ, वैसे भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? कभी नहीं, बिटिया के सिलसिले में वो कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अंदर जाते हैं। अरे बेटी, रोज बेटी, कब आए है तू? कैसे है? मेरी लाडली। आने से पहले ही दादा के पास चले गए हो क्या? तुम अच्छे तरह पढ़ रहे हो क्या? क्यों इतना पतली हो गया बेटी? इस उम्र में सब बच्चे ऐसे ही हैं, थोड़ा दुबला होगा, और अभी के पढ़ाई भी तो ऐसे ही है। कितने तरह के किताबें और कितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस भी बहुत बढ़िया है ना, और इसकी मम्मी जैसी बोलती है ना, परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है ना।
आओ ना दादाजी, मुझे ऑर्गेनिक प्लांटेशन देखनी है। ओ क्या होता है? होता है ना दादी, ये है तू। चलो। बेचारी, घर से बाहर निकला तो बंधन से मुक्ति मिलने की आनंद है। ठीक है प्रिंस, आजकल के लोगों को पैसे ही बड़ा दिखता है। अच्छा आंटी जी, अंदर खाने के लिए कुछ है क्या? बिटिया की सवाल का जवाब देके जो खाया हजम हो गया। अच्छा खाना बना कर रखा है, आओ। क्री लोग ज्यादा है ना, इसीलिए ज्यादा डाल कर रखी हूँ मैं। तुम कितने भी खाना है खा लो। अरे तब तो मजे में खा लेंगे। दादाजी वहाँ देखो, एक नेस्ट है। अरे हाँ। उस नेस्ट में बर्ड्स होते हैं क्या दादा? हाँ होगा। मुझे उसे देखनी अच्छा। है। तो अभी क्या करें? चलो एक काम करते हैं। आप मेरे कंधे में चढ़ जाइए, ठीक है? अजी। चलो चढ़ो, मेरे कंधे में चढ़ो। आराम से। आप देखो, देखो, दिखाई दे रहा है? हाय, हाय। एक, दो, तीन, तीन बर्ड्स हैं दादाजी। ऐसा क्या? हाथ में लेके देखो, धीरे से, धीरे से। बहुत भारी है दादाजी। पका हुआ होगा। अरे, आज चिकन करी है प्रिंस अंकल। अरे सिर्फ चिकन करी ही नहीं, आपको जो पसंद है मैं बना दूंगा, ठीक है? इधर रखो। बेटिया जाना है ना, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी खाओ। उसको आराम से खाने दो भैया, अभी क्यों जा रहा है? इनकी पापा मम्मी आने में 8 बज जाएंगे ना, उसका पहले पहुंचने से हो जाएगा ना। थोड़ी देर और रुक कर चलते हैं प्रिंस अंकल। अरे कैसी बातें कर रही है आप? आपको ठीक 3 बजे कोचिंग सेंटर पे पहुंचा देंगे, आपको मम्मी से मैंने वचन दिया था। कोचिंग? एक छुट्टी के दिन में भी इनको आराम से बैठने नहीं देगी क्या? इस नन्हे से दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए ना, कोई बीमारी आ जाएगा तब पता चलेगा। अगली छुट्टी में दादाजी आके आपको बुला के ले आएंगे, वो ठीक है ना? श्योर, आप आएंगे दादाजी? पक्का। मैं दो लेती हूँ। चलो जाते हैं। लो आपका खिलौना। टाटा। बाय दादाजी। वाव, आई कांट बिलीव, सब गए हैं। हाउ कैन आई बिलीव? ओह, तेरे हबी सभी समय गुस्से में रहते हैं क्या? बोलिए, कम ऑन टेल मी प्लीज। रियली? यू आर लकी गर्ल। मम्मी, मम्मी,
Shalu, one second. What do you want? Mommy, I have doubts about different kinds of maps. You go and ask Papa, okay? Please, Mommy. Rose? I told you, no? वो है ना मेरे बेटी तब भी समय तंग करती रहती है पापा कैन यू क्लियर मी सम डाउट्स सॉरी बेटा पापा बहुत बिजी हूँ काम से एक काम करते हैं आप कल ट्यूशन टीचर से क्लियर करवा लेना ठीक है अभी जाकर पढ़िए मेरा प्यारा बेटा जाओ जाकर पढ़ो ओके शालू आई कॉल यू लेटर क्या पूरा नहीं हुआ क्या अरे क्या करूं टोटल नेटवर्क जाम हो गया मेरे को अभी अभी एक मेल भेजना ही है छे कम ऑन अभी कम लेट्स गो एंड स्लीप बाकी कल देख लेते हैं आप जाके सो जाइए मेरे को ये मेल भेजना ही है आज ओके